सुप्रभात, जय सिया राम। 5 बज गए हैं, आज यात्रा का 37वां दिन है और अभी हम पता नहीं आज 80 किलोमीटर तक जाएंगे, कोई जगह डिसाइड नहीं है, रुकना था है क्योंकि तिरुपति यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, तो 2-3 दिन लगेंगे, 3-4 दिन। और आगे अभी हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर रुक सकते हैं। तो बज गए, अभी तक नाश्ता नहीं किया, सुबह कुछ खाया भी नहीं था ज़्यादा, क्योंकि फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे। और अभी तक ऐसी कोई शॉप समझ में नहीं आ रही जहाँ सही मिल जाए नाश्ता। आगे बढ़ते हैं और धूप भी तेज़ हो गई है, 8 बजे तक धूप बहुत अच्छी खासी हो जाती है। तो दोस्तों, हम इस मंदिर में आए थे और यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाई, कह रहे हैं कि भारी सोना पड़ेगा, तो हम आगे चलते हैं। आगे 35 किलोमीटर आगे एक मंदिर बताया गया है, तो वहाँ पर कुछ व्यवस्था हो सकती है तो वो देखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं। मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि आज अपना ध्यान सर्वाइवल से हटाकर खुद पर लगाऊंगा, खुद को डेवलप करने के लिए, लेकिन अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गया है और ध्यान सर्वाइवल पर ही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, पहले से इम्प्रूव हुआ है। पहले तो पूरा 24 घंटा सर्वाइव, कहाँ रुकना, कहाँ खाना, क्या खाना, इस पर रहता था। अब काफ़ी हद तक सर्वाइवल इजी हो गया है, तो धीरे धीरे भगवान चाहेंगे तो ज़रूर हम खुद पर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये भैया बता रहे हैं कि 241 दिन में काशी और ज्योतिर्लिंग है सिलीकुलम, ऐसा कुछ नाम है यहीं पर, काशी। हाँ, श्री सैलम पदयात्रा। हाँ, तो ये पद यात्रा करके आए हैं और आज इनका ख़त्म हो गया है और किस्मत से ये हमें मिल गए यहाँ पर। तो कैसी रही यात्रा? यात्रा इज़ गुड, सुपर। यात्रा सुपर है। हाँ, पूरा अच्छा कर। अच्छा, अकेले भगवान है ना। हाँ, सुपर। हाँ भैया, भी देखो। ठीक है, ठीक है। तो स्नान हो गया है और ये आदमी था जो भाई, ये ऑटो ड्राइवर हैं और अलग स्टोरी है इनकी। कह रहे हैं कि मम्मी पापा नहीं है, वो मम्मी पापा ने मम्मी को मर्डर कर दिया और अगले दिन सुसाइड कर लिया, और छोटे थे हम तो अकेले ही रहे, हमारे महादेव हैं बस। तो जब भी कोई, और कह रहे हैं कि रात में खाना हम लेके आएंगे प्यार से आपके लिए, आप कहीं मत खाना, हम लेकर आएंगे खाना। और यहाँ रोटी को पुलका कहते हैं, पुलका लेकर आएंगे। और 241 दिन पैदल यात्रा की इन्होंने और अकेले रहे हैं हमेशा से, लेकिन हमें क्या है यार, अपन तो हैं बाहर, परदेसी हैं यहाँ के लोगों के लिए, तो हमेशा डाउट होता है। मेरी नानी हमेशा कहती हैं कि, और ये बात उनने बहुत पहले से कहना शुरू कर दी थी कि कभी किसी पे भरोसा मत करना बेटा, कभी भी, मतलब कहीं सफ़र में जाओ तो हमेशा क्वेश्चन रखना अपने दिमाग में। लेकिन वही है, क्वेश्चन और भरोसा, इन दोनों का बैलेंस ही यात्रा को सफल बना सकता है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल भरोसा ना करें, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि क्वेश्चन करना ही, दिमाग में क्वेश्चन आना ही बंद कर दें। तो दोस्तों, देखते हैं ये मंदिर है, क्या होता है। पंडित जी जा रहे हैं भगवान के ऊपर, ये उनका घर है, यहीं रहते हैं। और अभी उन्होंने हमें खाना खिलाया और हमें लग रहा था कि बाहर खाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने खिलाया, अच्छा खाना था। और ये अंदर मंदिर में आ गए, थोड़ा अभी अंधेरा रहेगा, रोशनी वाली। हाँ, आप क्लियर है। तो अच्छा खाना था और उनकी भी ट्रेजेडी है यार लाइफ ना, सच में। हम कह रहे हैं कि बहुत खुशनसीब लोग हैं जिनके घर में मम्मी पापा एक कंप्लीट फैमिली है, तब भी रोते रहते हैं। तो उनके बेटे एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, एक बेटा एक बेटी थे, बेटी है, और
इसलिए वो यहाँ अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, आ गए पंडित जी। ठीक है दोस्तों, अब सोया जाए क्योंकि बहुत थक गए थे। अभी शाम को खाना भी लेट खाया 5 बजे, तो भूख भी नहीं है। पंडित जी रुपए दे रहे थे, कह रहे थे कि अब चले जाओ बाहर खाना खाने, और फिर हमने उनको लौटा दिया क्योंकि मंदिर वैसे ही कोई यहाँ भक्त आते नहीं हैं, तो इनकी कोई अर्निंग भी नहीं है। तो और बहुत कृपा कर रहे हैं हम पे, चटाई दी थी और ये साइकिल में कहा कि तुम ये माला टांगो। एक सेकंड, अभी अंधेरा है यहाँ, ये माला। तो अब माला हम टांगेंगे तो नहीं, लेकिन उनका दिल रखने के लिए अभी टंगे रहने देते हैं। ठीक है फिर हम सोते हैं यार, क्योंकि कल भी 100 किलोमीटर चलना है, लगभग ऊपर ही हो जाएगा 100 से। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय सियाराम।